नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वप्निल पटियाला। जिस तरह से आपको बता दें, लगातार केसेस जो कि कोविड-19 के उधमपुर में बढ़ते जा रहे थे, वहीं आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं उधमपुर के क्वारंटाइन सेंटर में, और प्रशासन द्वारा जो कि उधमपुर में एक सैनिटाइजर जो कि टनल है यहाँ का बना, यहाँ पर बनाया गया है। वहीं आपको बता दें इसकी अगर हम आपको विशेषताएं जो कि बता दें इस टनल की, जो कि पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जिस तरह से इंडिकेशन जो कि यहाँ पे दी गई हैं स्टॉप और एंटर की, जिस तरह से रेड और ग्रीन कलर की जो यहाँ पे लाइट दी गई है, इसका यही देता है कि अगर आप यहाँ से एंटर होंगे तो यहाँ पे जो ग्रीन लाइट आपको जली हुई दिखेगी, वहीं आपको जब ख़त्म होगा तो रेड लाइट जो आपको जली हुई दिखेगी। वहीं आपको बता दें 1 मीटर और 3 फीट जो यहाँ पे लिखा गया है, ये इसकी डिस्टेंस जो कि बताता है आपको कि 1 मीटर और 3 फीट के जो आप दूर रहेंगे तो पास रहेंगे तो ही जो है यूज़ हो पाएगा। वहीं आपको बता दें जो डिज़ाइन किया गया है इसको, यह मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग द्वारा जो कि किया गया है। इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कुछ मैकेनिकल डिपार्टमेंट के एक्सीन साहब। सर, आपका हिमाचल में स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की इसकी विशेषताएँ हैं, और हमारे सब्सक्राइबर्स को बता दें इसका खास स्पेसिफिक क्या है। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे, पहले हमने इसको यहाँ से ये दबाना है, इसके साथ आपका हाथ जो है वो पूरा सैनिटाइज हो जाएगा। यहाँ से आपने फिर ये मास्क लेना है। जैसे ही मास्क लेते हैं आप, जैसे इसमें एंटर करेंगे, ये ऑटोमेटिकली थ्रू सेंसर जैसे इस पर आप पैर रखेंगे ये वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। जिस तरह से उन्होंने बताया कि पहला जो उनका रहेगा कि सबसे पहले जो कि सैनिटाइज से हाथ साफ करेंगे, उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा वो यहाँ से मास्क उठाकर पहले मास्क पहनेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली जब आप यहाँ से चलेंगे तो जब आपका पाँव इसके ऊपर पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो कि ये ऑन हो जाएगा। आप देख रहे हैं जिस तरह से मैंने पाँव रखा और ये जो सैनिटाइजर टनल है ये ऑन हो गया और अंदर फुल बॉडी को जो है कि सैनिटाइज करेगा। अब हम अंदर जाकर देखेंगे आखिर ये जो सैनिटाइज करता है आखिर करता कैसे है। अब इस वक्त मैं अंदर पहुंच चुका हूं टनल के, आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा किस तरह से यहां पे जो नोजल्स जो यहां पे लगाई गई हैं। मैं आपको पहले ये पता की बात बता दूं, यहां पे जो टनल लगाया गया है पहला जम्मू कश्मीर का पहला टनल है, और यहां पे जो पानी की बात करें, पानी की वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं है इसका। तो इसी अब बात करते हैं सर से। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का ये टनल बनाया, कितना इसका शुल्क, जो शुल्क के बारे में बता दें, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट उधमपुर में दिया गया? इसमें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। हमने एक ग्रुप ऑफ हमारा इंजीनियर से मैकेनिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट में, उन्होंने हमने डिफरेंट हमारे साथ जो मैन्युफैक्चरर्स भी हैं वो भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमें मटेरियल दिया, हमने इनको डिज़ाइन दिया, उन्होंने डिज़ाइन करके हमको बना के दिया। तो क्या आगे भी आपके कहीं इस तरह से टनल, जैसे जैसे हम कहीं कहीं डिमांड आएगी हम उनको दे देंगे। तो जिसने आपको बता दें कि उधमपुर में जो कि लगातार कोरोना वायरस के जो कि केसेस थे लगातार बढ़ते जा रहे थे, उसी के मद्देनज़र रखते हुए उधमपुर के क्वारंटाइन सेंटर में जो कि एक ऑटोमेटिक सैनिटाइजर टनल जो कि यहां पे बनाया गया। और आपको बता दें इस सेंटर टनल से कहीं ना कहीं अगर और बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस जैसी बीमारी से लड़ा जा सकता है। और आपको बता दें कि जिस तरह से उधमपुर में जो कि लगातार सैनिटाइजर टनल जो लोग संस्थाओं द्वारा जो कि बनाया जा रहा है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट द्वारा बनाया जा रहा है, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। और सभी लोगों से हम यही निवेदन करते हैं कि कृपया घर से बाहर ना निकलें ताकि कोरोना वायरस जैसी बीमारी से लड़ा जा सके। इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरामैन रोहित सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।